एवरीवन, आपका फिर से एक बार स्वागत है गुरुजी क्लासेस में। तो आज हम सभी लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.2। तो शुरू में आप लोगों को 11th की मैथ्स बड़ी मुश्किल लग रही थी, पर धीरे धीरे अब वो आसान बनती जा रही है। तो इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको 1.2 के बाद मैथ्स और भी ज़्यादा आसान लगेगी। तो चलिए जल्दी से उसको ख़त्म करते हैं। सभी अपनी पेन कॉपी निकाल लें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो सब्सक्राइब भी कर लो और थोड़ा दान भी कर लो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर पे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। अब नल सेट क्या होता है नहीं बताना, तो दोस्तों पहले इंट्रोडक्शन देख कर आओ, और मैं इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ वैसे होता क्या। नल सेट वो होता है एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट्स, खाली ब्रैकेट्स, और या फिर फी का यूज करते हैं, फाई इस साइन को फाई कहते हैं, और ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है कि कौन से जो है एग्जाम्पल्स हैं नल सेट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। पहला क्वेश्चन है कि ये जो है ये हो सकता है नल सेट। तो एक बात बताइए आप लोग, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 ये सब और आगे भी। अब क्या ऑड नंबर्स कभी भी 2 से डिवाइड होते हैं, तो कभी भी नहीं होते। तो हम क्या लिखेंगे, नो ऑड नेचुरल नंबर्स, no odd natural numbers are divisible by 2 by 2 so there is no element in this set, is set mein koi bhi element nahi, there is no element in this set, hum ye line zarur likhenge, there is no element in this set। तो क्या होगा, सो इट इज अ नल सेट। क्या होगा, ये एक नल सेट होगा। नल सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, एम्प्टी सेट होता है। सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर में हमारा 2 आता है, तो ये नल सेट नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सो 2 इज इवन प्राइम नंबर। क्या लिखेंगे, इट कंटेन्स एलिमेंट, इसमें एलिमेंट्स हैं, इट कंटेन्स एलिमेंट्स, सो इट इज नॉट अ नल सेट। ये नल सेट नहीं कहलाएगा हमारा। आसान है नहीं दोनों पार्ट, बहुत आसान है, इसी तरह से आ रही थी, फटाफट आप लोग समझ समझ के करते थे। थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, ऑल एक्स सच दैट एक्स, जितने भी एक्स हैं एक्स की तरह, वो नेचुरल नंबर है जो कि 5 से तो बड़े हैं, 5 से थोड़ी छोटे हैं एंड 7 से बड़े हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई नंबर 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे, नो नंबर, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है विच इज लेस देन 5। विल बी ग्रेटर देन 7। ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता जो कि 5 से छोटा हो लेकिन ग्रेटर हो 7 से। तो हम लिखेंगे इट इज अ नल सेट। ये भी नल सेट हो गया, इट इज अ नल सेट, खाली सेट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट कह रहा है ऑल वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन तो कुछ इस तरह से होती है, पैरेलल लाइन कभी इंटरसेप्ट ही नहीं करती, तो कोई कॉमन पॉइंट बन ही नहीं सकता। तो ये क्या कहलाएगा, हम लिखेंगे पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ही नहीं कर सकते। So, it is a null set. ये भी एक null set हो गया।
इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन बड़े ही मजे मजे में कंप्लीट कर दिया है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर टू की तरफ दोस्तों। क्या कह रहे हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फिनाइट और इनफिनाइट। सिंपली लिखना है इसमें अब आपको। पहला पार्ट कहा गया है कि जो मंथ होते हैं एक ईयर में क्या वो फिनाइट है इनफिनाइट है। तो दोस्तों कितने मंथ होते हैं, 12 फिक्स है, तो ये क्या होगा, एक फिनाइट सेट होगा। सो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स आर 12 विच इज फिक्स्ड, सो ये क्या है, इट इज अ फिनाइट सेट। क्या कहलाएगा, ये फिनाइट सेट कहलाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट हमारा कह रहा है 1, 2, 3 से लेके आगे तक नंबर है, कोई गिनती का अंत नहीं है, 3 डॉट से हमें पता चल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इनफिनाइट सेट कहलाएगा। सो देयर आर इनफिनाइट नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स है ना, 1, 2, 3 बढ़ते जा रहे आगे, इनफिनाइट नेचुरल नंबर्स, सो दिस इज अ इनफिनाइट सेट। सिंपल इतना लिखेंगे, ज्यादा हो तो आप ये भी मत लिखिए, रीजन लिखने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें ये थोड़ी कहा गिव रीजन, पर मैं आपको क्लैरिफिकेशन के लिए रीजन भी दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके कि हाँ भैया आया कैसे था, पता तो होना चाहिए ना हमें कैसे आया। तो इसीलिए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, 1, 2, 3 से लेके 100 तक। अब तो समझ ही गए होंगे कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिनाइट सेट आएगा, क्योंकि इसमें एंड वैल्यू की बात है। सो द एंड वैल्यू इज 100, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फिक्स्ड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फिक्स्ड, सो क्या कहलाएगा ये, सो इट इज अ फिनाइट सेट। फोर्थ पार्ट का, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो इनका भी कोई अंत नहीं है, तो देयर इज नो एंड वैल्यू, इट इज इनफिनाइट सेट। लिख देंगे देयर इज नो एंड वैल्यू, सो इट इज अ इनफिनाइट सेट। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, यहाँ पे फिक्स है, देर आर फिक्स नंबर्स, तो क्या होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, बताओ फटाफट, ये कहलाएगा फिनाइट सेट। क्या कहलाएगा, फिनाइट सेट। पहला फिनाइट, दूसरे इनफिनाइट, फिर फिनाइट, फिर इनफिनाइट एंड फिर फिनाइट, तो ये एक पैटर्न बन गया, राइट, इनफिनाइट, फिनाइट, इनफिनाइट। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फिनाइट। अब आपको बताना है ये फिनाइट है या इनफिनाइट है, फिर से वही क्वेश्चन है, और इसमें आपके रीजन लिखना पड़ेगा आपको। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कुछ लाइंस का सेट जो कि पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस ये वाला होता है, कितनी ही पैरेलल लाइन बनाते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी मर्जी बनाते, क्या आएगा, नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इनफिनाइट लाइंस
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो क्या होगा ये, इट इज एन इनफिनाइट सेट, ये हमारा कहलाएगा इनफिनाइट सेट। सेकेंड पार्ट की तरफ भी बढ़ते हैं अब हम। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, कितने लेटर्स होंगे इंग्लिश अल्फाबेट में, तो ये तो फिक्स है, देयर आर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट, देयर आर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स फिक्स हैं, सो दिस इज अ फिनाइट सेट। ठीक है, फिनाइट सेट। रीजन सेम से ही आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है रीजन में। आप लोग थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है सेट ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ फाइव, कितने सारे नंबर, कोई लिमिट तो है नहीं कि भाई इतने ही नंबर फाइव के मल्टीपल है, 5, 10, 15, 20 पता नहीं कितने होंगे, तो इसी तरह से बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सो देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ फाइव, there are infinite multiples of 5, क्या हो जाएगा ये, so this is an infinite set, ये भी एक infinite set हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट कह रहा है the set of animals living on the world, तो ये तो है नहीं कि हम मतलब इनफिनाइट नंबर ऑफ रह रहे हैं, हम गिन सकते हैं जितने भी हैं, वी कैन काउंट हम काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, उन सभी प्राणियों को जो अर्थ पे रह रहे हैं। सो ये क्या कहलाएगा, कौन सा सेट होगा बताओ फटाफट, ये हमारा कहलाएगा, this is an finite set, अब अगला है the set of circle, कितने circle पास होंगे origin से, ये एक origin है ना, जैसे एक circle, दो circle, तीन circle, चार circle, पांच circle, छह circle, कितने मर्जी circle पास होंगे, so infinite set, number of circles can pass through origin, पास कर सकते हैं ओरिजिन से। सो दिस इज अ क्या होगा ये, सो दिस इज अ इनफिनाइट सेट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है किसमें a इक्वल b होगा, किसमें नहीं होगा, तो a इक्वल b क्या है, ये इक्वल सेट्स की बात होगी। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, जिनमें जो सेम एलिमेंट्स पाए जाते हैं a में वो b में भी पाए जाते हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं दोनों में सेम हो, है ना, जैसे a में भी पाया जा रहा है तो a दूसरे सेट में भी पाया जाए, तो ये इक्वल सेट होगा, तो ये होता है a इक्वल b। पहला कह रहा है एक तो सेट है ए, जिसमें क्या है ए है, बी है, सी है और डी है, और दूसरा है बी, जिसमें डी है, सी है, बी है और ए। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बस घुमाया गया आपको, इसमें भी है, इसमें भी बी है, इसमें भी सी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी सी है, इसमें भी है, इसमें भी, सेम एलिमेंट्स है, तो क्या लिखेंगे, both sets have same elements, दोनों sets में same elements, so क्या कहलाएगा ये, so this is a क्या होगा ये, equal set, a equal b, आ गया समझ। second part क्या कह रहा है,
सेकंड पार्ट है ए में 4, 8, 12, 16 और 8, 4, 16, 8 क्या देख रहे हैं, 4 इसमें है, 4 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 12 इसमें नहीं है, 16 है और इसमें 18 है। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, अब हम लिखेंगे 12 जो है वो बिलोंग तो करता है ए को, बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये बिलोंग्स टू का साइन है याद रखना, और इसी तरह से 18 बिलोंग्स टू बी बट 18 डज नॉट बिलोंग टू ए, सो दिस इज नॉट इक्वल सेट नहीं है, सिंपल है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में कह रहा है 2, 4, 6, 8, 10 है एंड दूसरी तरफ ऑल x सच दैट x, ये पॉजिटिव इवन इंटीजर्स जो कि या तो 10 की इक्वल है या फिर 10 से छोटे है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, तो 2, 4, 6, 8, 10। अब आप नेगेटिव इंटीजर्स नहीं लिख सकते, -2, -4 ये सब नहीं लिख सकते, तो 2, 4, 6, 8, 10 तो इसमें भी है, तो हम क्या लिखेंगे, बोथ सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स, सभी सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं, सो दिस इज अ इक्वल सेट, कोई मुश्किल बात नहीं है, इक्वल सेट है। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं अब हम लोग, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है देखते हैं, फोर्थ पार्ट है ए है जिसमें वो मल्टीपल है 10 का, इसका 10 का मल्टीपल है वो आप लोगों का है ना, 10 का मल्टीपल है और बी जो इसमें 10, 15, 20, 25, 30 ये आ रहा है, तो ए में 10 के मल्टीपल यानी 10, 20, 30 ये सब तो होंगे पर दूसरे में 15 वगैरह, तो हम सिंपल कोई भी एक एलिमेंट डज नॉट बिलोंग दिखा रहे हैं, ए बिलोंग्स टू ए बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल, सिंपल ये दिखाना, एक एक एलिमेंट के लिए थोड़ी दिखाएंगे हम, एक एलिमेंट कोई भी अनइक्वल दिखा दो तो पूरा सेट अनइक्वल है ना। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फिर से वही बात, क्या ये पेयर और जो है ये इक्वल है या नहीं, तो पहले में दो एलिमेंट है ए 2 and 3 और दूसरा जो है वो सॉल्यूशन है x² + 5x + 6, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना भूले तो नहीं हो ना तुम लोग, पता चला 10th के एग्जाम के बाद मजे सब भूल गए, तो ये मत करना, x² अब इसके मल्टीपल्स बनाएंगे, तो क्या करेंगे मिडल स्प्लिटिंग में जो सम है वो 5x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 6x², तो 6 के सारे डिवीजन देख लेंगे 2 × 3 से हो जाएगा, तो x² + 2x + 3x + 6 = 0, x² + 2 + 3x + 2 = 0, तो x इज इक्वल टू आएगा -2 या -3, अब तो ये अलग आ गए, तो क्या होगा -2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए बट -2 बिलोंग्स टू बी, तो दिस इज नॉट ए इक्वल सेट, ये क्या होगा, ये इक्वल सेट नहीं, दिस इज नॉट अ इक्वल सेट। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, ए ए में वो सारे लेटर हैं जो कि वर्ड फॉलो में आते हैं, एफ एफ ओ एल, अब डबल एल है तो ए के एल लिखेंगे, फिर
फिर ओ भी दोबारा है तो एफ ओ एल डब्ल्यू, और बी वॉल्फ में सारे लेटर्स डब्ल्यू ओ एल सेम लेटर्स हैं, सो ए इक्वल टू बी, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल। This is a equal set. Equal set है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज करते हैं फटाफट से कंप्लीट, एंड फिर हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो दोस्तों चिंता मत करना, आपको सारी एक्सरसाइज मिलेंगी, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसमें आप लोगों का ही फायदा है, आप लोगों को सभी वीडियो जल्दी से जल्दी मिलेंगी और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए जल्दी से करते हैं। अब इसमें आपको बुक में देखना है कुछ सेट्स दिए गए हैं, इसमें इक्वल सेट्स देखने हैं आप लोगों को, 2, 4, 8, 12 ए सेट में, 1, 2, 3, 4 बी सेट में, सी में 4, 8, 12, 14 डी में 3, 1, 4, 2 ई में -1 एंड 1 एफ में 0 एंड 8 जी में 1 एंड -1 और एच में 0 एंड। तो अब आप लोग थोड़ा देखेंगे ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि जो सेट बी है ना वो इक्वल है डी के। देखिए 1, 2, 3, 4 और 3, 1, 4 क्या होंगे, ये सेम ही होंगे, तो बी सेट इज इक्वल टू डी। इसी तरह से ई सेट इज इक्वल टू जी, जिसमें 1 और -1 है दोनों सेट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, Both sets are equal sets because they have same elements. तो इसी के साथ आपकी वीडियो खत्म होती है यहाँ पे। अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 में, तब तक के लिए बाय।